खबर। जम्मू कश्मीर से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, हमने चाहा था कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी पार्टी साथ चले। जम्मू कश्मीर के लोगों को जरूरत है कि हम साथ साथ चले। हमारे ऊपर मुसीबत है, हमारे नौजवान जेलों में बंद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यकर्ता भी चाहता कि हम साथ रहें। मैंने फारूक अब्दुल्ला साहब को सारे इख्तियार दिए, मगर उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं, मुनासिब नहीं समझा। और उन्होंने कहा पीडीपी खत्म हो चुकी है। जो हमने चाहा था, हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी जमातें इकट्ठा चलें, एक साथ चलें, क्योंकि कश्मीरी को जम्मू के लोगों को जरूरत है कि हम साथ साथ चलें। हमारे ऊपर मुसीबत है, हमारे नौजवान जेलों में बंद है, कोई बात नहीं करता, बेगुनाह बेकस, मगर बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं चाहा, उनकी लीडरशिप ने नहीं चाहा, उनके लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर भी चाहता है इकट्ठे रहे, मगर उन्होंने नहीं चाहा। मैंने फारूक साहब को सारे इख्तियार दिए, मगर उन्होंने मुझसे पूछना तक मुनासिब नहीं समझा। और उन्होंने कहा पीडीपी खत्म हो चुकी है। पीडीपी कैसे खत्म होगी? पीडीपी ने टास्क फोर्स खत्म किया, पीडीपी ने कोटा खत्म किया, पीडीपी ने इख्वान खत्म किया, पीडीपी ने 3 साल में रास्ते खोले, डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया। तो अगर पीडीपी खत्म होती तो कल आपने पहलगाम में आज यहाँ ये लोगों का सैलाब देख रहे हैं। मुझे लगता है लोग खुद जवाब देंगे कि पीडीपी खत्म है या पीडीपी लोगों के दिलों में जिंदा है। शुक्रिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।